उपस्थित सभी मान्यगण एवं मेरे मित्रगण, आप सभी को मैं बुद्धभूषण लोंडे नमस्कार करता हूँ। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में अल्कोहल डिस्ट्रॉयज द फैमिली, शराब घर परिवार बर्बाद कर देता है, इस विषय पर चंद शब्दों में भाष्य करना चाहूंगा। नशा सामाजिक अथवा नशा हमें सामाजिक और नशा हमारे देश को सामाजिक और आर्थिक रूप से बर्बाद करता जा रहा है। आज गांव और शहरों में लिखने पढ़ने की उम्र में स्कूल और कॉलेज के बच्चे अथवा युवा वर्ग शराब और नशे के अधीन हो गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ उपस्थित लगभग सभी लोग ये मानते हैं कि शराब पीना बुरी बात है और शराब पीने से घर परिवार खत्म हो जाता है, तो क्या हमें इसके लिए सिर्फ शराब और शराब को ही दोषी मानना चाहिए? देखा जाए तो शराब तो सिर्फ एक द्रव मात्र है जो इंसान, मनुष्य, व्यक्ति नामक एक घटक के संपर्क में आकर एक नया विद्रोही, विघातक और पीड़ा देह मनुष्य तैयार करता है जिसे हम शराबी कहते हैं। इस विषय को समझने के लिए इस बात को जरा गहराई से जानते हैं। शराब पीने से घर परिवार खत्म हो जाता है, यह सच है और हम मान भी लेते हैं, पर जैसा मैंने बताया वो सिर्फ एक द्रव मात्र है जो इंसान नामक के घटक से यह सब करवाता है, तो हमें किसे खत्म करना चाहिए, शराब या शराबी? यहाँ हम बड़ी गलती कर बैठते हैं। शराब पीने वाले घर के उस सदस्य से जो शायद किसी कारणवश, मानो किसी मजबूरी में या शौक से या आदत लत के कारण इस बवंडर में फंस गया है, अगर आदत है तो हमें, अगर मजबूरी है तो हमें सब परिवार वाले मिलकर परिस्थितियों से रूबरू करवाकर उसे दूर करने का भरोसा ला सकते हैं। अगर लत के कारण शराब पीना हो रहा है तो उसे सच्चाई से वाकिफ करवा सकते हैं, लेकिन अगर आदत है तो महज एक बीमारी की तरह जानकर, समझकर दवा को शामिल करना चाहिए। इन तीनों अवस्थाओं में अगर आप एक ही बात पर ध्यान दें तो आप समझ पाएंगे कि हम शराब पर नहीं तो शराब पीने वाले उस व्यक्ति की मानसिकता का इलाज कर रहे थे और यही सही राह में शराब से शराबी को मुक्त करने का केवल एकमात्र इलाज है। सही साधारण परिस्थितियों में देखा गया है कि शराबी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और वो सब कर गुजरता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, वो सब कुछ जो सामाजिक अथवा पारिवारिक हित के लिए हानिकारक हो जाता है, और हम सारे परिवार वाले तथा मित्रगण उसे रोज की बात समझकर कोसते रहते हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन जब तक शराबी ये खुद न तय कर ले कि नहीं, मुझे किसी मजबूरी के अधीन होकर भी शराब नहीं पीनी, कि नहीं मुझे किसी लत के कारण भी शराब नहीं पीनी और आदत और लत के अधीन होकर भी शराब नहीं पीनी, उसी क्षण शराब छूट जाएगी और वो व्यक्ति जीवन के किसी भी मोड़ पर शराब को हाथ में लगाएगा, और ये तभी और तभी संभव है जब आप उसे दुत्कारने की जगह उसे समझे, उसकी मानसिक क्षमता का अध्ययन करें और शराब पीने की उसकी वजह को ढूंढे। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शराब पीने वाला मनुष्य केवल एक बीमार इंसान है, शारीरिक रूप से नहीं पर मानसिक रूप से। उसे समझे, उसे जीने की एक वजह दे, कारण दे, एक मौका दे कि जीवन फिर से शुरू हो सकता है। और ये याद रखे कि नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, अर्ज करता हूँ कि नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। कुछ लोग जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, ये तो गलत मानकर उन्हें अदालत बिगाड़ देती है। धन्यवाद।